महाराष्ट्र में कोयले की कमी हो गई है। एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार कोयले की किल्लत हुई है। बरसात के मौसम में कोयले का भंडारण किया जाता है, इससे बिजली मिलना मुश्किल हो गया है। यदि बिजली प्रतिदिन उत्पन्न होती है तो यह 1 KMPC पानी चाहिए तो 17 दिन के लिए ही बिजली मिलती है। इस मामले में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि आंध्र प्रदेश में पूरे देश में 50% बिजली की कटौती हुई है। रमजान ईद और बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन की वजह से महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ है। जब आप बिजली का उपयोग करते हैं तो आपको बिल का भुगतान करना होगा। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने बिजली बिल का समय पर भुगतान करें। सबका शेष ले सकता हूं पर धन का भेष नहीं ले सकता। बजट शुल्क का भुगतान महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था। कोयले का शॉर्टेज क्रिएट हुआ है, ये पहली बार नहीं तो दूसरी बार क्रिएट हुआ है, और वो कोयले के वजह से हर प्लांट के अंदर 1.5 दिन का 2 दिन का 3 दिन का ऐसा कोयला यहाँ पर उपलब्ध है, और साथ में बरसात आने वाली है। बरसात पे हमें स्टॉक करना पड़ता कोयले का, वो भी उसके लिए भी कोयला लगने वाला है। ये स्थिति के वजह से यहाँ पर बिजली मिलना थोड़ी सी दुश्वार हो गई है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे स्टेशन है, हाइड्रो पावर में कोयना में 17 TMC पानी अभी है। हर रोज अगर बिजली हम बनाते हैं तो उसको 1 TMC पानी लगता है, तो 17 दिन का ही बिजली हमको मिलेगा। साथ में जो बिजली के प्लांट चल रहे हैं वो फुल स्विंग में नहीं चल पाते कोयले के वजह से, इसलिए ओपन मार्केट से भी बिजली अगर हम खरीदने जाते हैं तो बिजली अवेलेबल नहीं है, और उसके वजह से भी हमको असर पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेकर अगर हमने देश का अगर विचार किया तो देश में आंध्र प्रदेश ने 50% कट लगा दी है बिजली के ऊपर, और गुजरात ने एक दिन पूरी तरह से इंडस्ट्रीज का सप्लाई बंद कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि रमजान ईद चल रही है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को है। ये सब हम समझते हैं, बना कर दिया है वो प्रोटोकॉल के अनुसार। जहाँ पे सबसे ज्यादा लॉसेस है, जहाँ पे रिकवरी नहीं है हमारी, और जहाँ चोरियाँ बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, ऐसी जगह पर हम यहाँ पर लोड शेडिंग चालू किए हैं। साथ में हमें ग्रामीण विकास और नगर विकास का भी पैसा मिलना अभी बाकी है, जो कि 9000 करोड़ है, और पब्लिक में भी हम जब जाते हैं तो पब्लिक से भी जिस प्रकार से भुगतान होना चाहिए, जब बिजली आप यूज करते हैं उसका वापर करते हैं तो ऐसे वक्त बिजली का बिल भरना भी नहायत जरूरी होता है। तो मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से तमाम महाराष्ट्र की जनता को कि वे अपना बिजली का भुगतान समय पर करें, क्योंकि सारे तरह का ड्रामा हम कर सकते हैं लेकिन पैसे का ड्रामा हम नहीं कर सकते हैं। पैसा आखिर पैसा ही है, और पैसे के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। आज ओपन मार्केट से बिजली खरीदने भी हम जाते हैं तो 6.5 रुपए से 12 रुपए तक के पर यूनिट उसका चार्ज हमें देना पड़ता है, और ऐसे वक्त हमारे पास पैसा नहीं होने के वजह से हम जो कर्जा लिया था वो कर्जा दूसरे बैंकों से उसका फेरफार करके हमने इंटरेस्ट कम करके 3500 करोड़ तो जमा लिया। बजट में जो बजटेड अमाउंट था वो महाराष्ट्र सरकार ने हमको दी है, लेकिन फिर भी ग्रामीण विकास और नगर विकास का पैसा अभी आना बाकी है। वो आ जाता है तो पैसे की हमारी ज़रूरत थोड़ी सी कम हो जाएगी और उससे मदद मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश है महाविकास सरकार की कि हम लोड शेडिंग नहीं करें, लेकिन कभी कभी मजबूर हो जाना पड़ता तो मजबूरी में हमें लोड शेडिंग कहीं करनी पड़ती है, तो उसका प्रोटोकॉल जो MERC ने लिया है उसके तहत हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। शुक्रिया।